सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटेगी, गृह मंत्रालय की बैठक में लिया गया फैसला। बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अभी एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब इसे हटाने का फैसला किया गया है। अब उन्हें देश भर में सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। बाला के निर्देशक के साथ काम करने को लेकर आया है अभिनेता वरुण धवन का ये बयान। फिल्म स्त्री के निर्देशन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले कौशिक की फिल्म बाला में आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में है और ये एक ऐसे युवक की कहानी जिसके बाल तेजी से गिर रहे हैं। मूडीज ने घटाई भारत की रेटिंग, स्टेबल से घटाकर की नेगेटिव। मूडीज को लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी दर तेजी के साथ नहीं बढ़ेगी, यानी कि आने वाले दिनों में जीडीपी में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। नोटबंदी के 3 साल पूरे, बढ़ते प्याज टमाटर के दामों को लेकर पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी को घेरा। कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज टमाटर की माला, हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। केबीसी में शिवाजी को लेकर पूछे गए सवाल से छिड़ा विवाद। सोनी टीवी पर प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति अचानक विवाद में घिर गया है। केबीसी को लेकर छिड़ा ये विवाद इतना बढ़ा कि सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट केबीसी ट्रेंड करने लगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान का जादू, गाय और बछड़े के एवज गोल्ड लोन लेने पहुंचा किसान। पश्चिम बंगाल में किसान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के दावे से इस कदर प्रभावित हुआ कि वो अपनी गाय और बछड़े के एवज गोल्ड लोन लेने गोल्ड लोन दफ्तर पहुंच गया, क्योंकि उसे लगा कि बीजेपी अध्यक्ष के दावों में कुछ सच्चाई होगी। दरअसल दिलीप घोष ने कहा था कि दुधारू गांवों के दूध में गोल्ड होता है। महाराष्ट्र में पार्टी बदलने के लिए विधायकों को मिल रहा है 25 से 50 करोड़ रुपए का ऑफर। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी बदलने के लिए विधायकों को मिल रहा है 25 से 50 करोड़ रुपए का ऑफर। न्यू वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय ने कहा, हमने अपने विधायकों को ऐसी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए कहा है ताकि जनता उनके बारे में जान सके। विधायकों के टूट के डर से शिवसेना में मची खलबली। महाराष्ट्र सरकार को लेकर भागम भाग मच गई है। कल शिवसेना ने ऑपरेशन कमल के डर से अपने विधायकों को रंगशारदा होटल में छिपाया था। आज कांग्रेस अपने विधायकों को जयपुर ले जा रही है। अभी खबर आई है कि शिवसेना अपने विधायकों को रंगशारदा से भी कहीं और शिफ्ट कर रही है। रंगशारदा होटल में एसी बस पहुंची है। नोटबंदी के 3 साल पूरे, वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारी का दावा, 2000 के नोट की हो रही है जमाखोरी, बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले आज ही के दिन 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को बंद करने की घोषणा की। इसके मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। अयोध्या मामले में धर्मगुरुओं की अपील, अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे देशवासी। 17 नवंबर से पहले अयोध्या विवाद पर फैसला आने वाला है। सालों पुराना विवाद का निपटारा होने वाला है और तब की स्थिति के लिए पीएम मोदी की अपील के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े ना, इसलिए अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। 30,000 कोर्ट मामले में यूपी के वकील आज हड़ताल पर, जनता को हो रही है परेशानी। वहीं बार काउंसिलिंग ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर मामले में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो यूपी के सारे वकील मिलकर सीएम योगी के आवास के बाहर धरना देंगे। धोखाधड़ी के आरोप पर रेमो डिसूजा ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे खिलाफ चल रहा झूठा मामला। फिल्म इंडस्ट्री और कई रियलिटी डांस शो के जज रहे रेमो डिसूजा इन दिनों धोखाधड़ी का आरोप झेल रहे हैं। रेमो डिसूजा ने कहा कि उन पर लगा ठगी का ये मामला झूठा है। सपेरा आया बीन बजाया, अखिलेश ने ऐसे मनाया खंजांची का जन्मदिन। 8 नवंबर 2016 को अचानक 1500 के नोटों की लीगल टेंडर रद्द किए जाने के बाद देश में हलचल सी मच गई थी। मोदी सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष आज भी हमलावर रहता है। दिल्ली का हैरत अंगेज मामला, इराकी महिला के गले की नली से निकले 53 पत्थर। अस्पताल के अनुसार सितंबर के आखिरी सप्ताह में ये ऑपरेशन किया गया। इस दौरान शरीर में बिना किसी कट के बास्केट और फोर्सेप्स का उपयोग करके पत्थरों को एक एक करके हटाया गया। अयोध्या पर फैसले से पहले यूपी अलर्ट, खुले में पेट्रोल तेजाब की बिक्री पर रोक। अयोध्या जमीन विवाद पर फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट है। गाजियाबाद प्रशासन ने पेट्रोल तेजाब समेत ज्वलनशील पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक लगा दी। गाजियाबाद के एसडीएम सदर ने आदेश जारी किया है जिसका पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।